हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशनल क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे ड्रेनेज चैप्टर, क्लास नाइन्थ का ड्रेनेज चैप्टर, उसका पार्ट टू। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं? जो बेसिकली हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं। पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? जो बेसिकली पेनिनसुलर से ओरिजिनेट होती हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ओके, चलिए, हिमालयन रिवर्स क्या है? हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स को हिमालयन रिवर्स कहते हैं। हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं और एक चीज़ कहते हैं, उसका नाम है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर्स क्या का मतलब क्या है? एंटीसीडेंट का मतलब है ये जो रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, जब हिमालय तो यंग फाउंडेड माउंटेन्स है, एज आपने पढ़ा होगा चैप्टर टू में ऑफ ज्योग्राफी, यंग फाउंडेड माउंटेन्स हैं। तो जब ये हिमालय नहीं बने थे तब भी ये रिवर्स क्या थी, वहाँ पर प्रेजेंट थी। जैसे इंदस के बारे हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, तब भी ये रिवर्स वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो इसीलिए इसको एंटीसीडेंट वेरी मीन्स वेरी ओल्ड रिवर्स हैं ये। ओके, और हिमालयन रिवर्स आई एक्सपेक्ट जो हिमालय से निकलती हैं वो हो गई हिमालयन रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स क्या हो गए? जो पेनिनसुला से निकल रही हैं वो है पेनिनसुलर रिवर्स। अब इसका ओरिजिन क्या है? हिमालयन रिवर्स का ओरिजिन आपका है, इसका ओरिजिन है ग्लेशियर्स। हिमालयन रिवर्स का ओरिजिन है हिमालयस और ग्लेशियर्स। वो हिमालय से निकलती हैं, हिमालयस ऑब्वियसली वहाँ पे जो बहुत वो पूरे ग्लेशियर्स ही हैं, तो ग्लेशियर्स से ही वो रिवर्स क्या होती हैं, वो निकलती हैं। जितना एल्टीट्यूड आई एक्सपेक्ट दिस, जितना ऊंचाई रहती है आपका हिमाद्री एंड ऑल, तो वो पूरा तो बर्फ ही है, बर्फ से ही ढका हुआ है, वो पूरा बर्फ है। तो फ्रॉम देयर ओनली इट इज़ ओरिजिनेटिंग। तो फिर वो क्या हो गई, जो ये उस साइड से जो भी टॉप से रिवर्स निकलेगी, जो भी हिमालय से निकलेगी, जो भी ग्लेशियर्स से निकलेगी, तो वो क्या हो गई, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गई और वो है हिमालयन रिवर्स। क्यों, कैसे पानी ज़्यादा आ रहा है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। एक ग्लेशियर हो गया, एक रेनफॉल हो गया, इसीलिए उसमें पानी इतना ज़्यादा रहेगा हिमालयन रिवर्स में। और पेनिनसुलर रिवर्स में टोटली ऑपोजिट इट द कंडीशन। वो कहाँ से बेसिकली ओरिजिनेट होती है? सेंट्रल हाईलैंड से, ये डिकन प्लेटू वाले पार्ट से वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। वेस्टर्न घाट से मैनी रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग। तो ये हो गई है पेनिनसुलर, पेनिनसुलर पार्ट से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, और ये मोस्टली जो ये हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या है, वो मोस्टली पेरिनियल, मीन्स पूरे साल भर इसमें क्या होता है, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी होता है। और इसके टोटली ऑपोजिट पेनिनसुलर रिवर में, बिकॉज बारिश पानी जो है वो बारिश पे डिपेंडेंट है, तो वो साल भर नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है ऑफ द ईयर, बट साल भर नहीं रहता है। सेकेंड आपका हो गया, थर्ड आपका हो गया है लॉन्ग कोर्स। ऑफकोर्स जब इतना सारा पानी है तो उसका रास्ता भी क्या है, लॉन्ग, उसका रूट भी क्या है, बहुत लंबा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसका एंड पॉइंट क्या है, कोई भी सी में जाके ये क्या करती है, मिल जाती है। लाइक इंडस रिवर, वो स्टार्ट होती है कहाँ पर से, हिमालय से निकलती है, फ्रॉम द मानसरोवर इट यूज़ टू ओरिजिनेट, एंड वो जाके मिल जाती है कहाँ पर, वो जाके गिर जाती है अरेबियन सी के अंदर। लाइक गंगा, वो ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर्स, गंगोत्री ग्लेशियर से, और वो जाके मिल जाती है कहाँ पर, वो जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। सिमिलरली उसका कोर्स बहुत है, इतना ज़्यादा पार्ट कवर करके वो क्या करती है, आगे उत्तर प्रदेश, गंगा उत्तर प्रदेश बिहार सब पार्ट कवर करके जाके आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसका कोर्स क्या है, इतना सारा पानी है तो उसका कोर्स भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, लंबा होता है। और ये पेनिनसुलर रिवर्स का कोर्स क्या होता है, इसका कोर्स शॉर्ट होता है और क्या होता है, इतना गहरा, डीप। अब जो ये हिमालयन रिवर्स है, इसका कोर्स तो लंबा होते ही है, एंड सेकेंडली ये इसका जो ड्रेनेज बेसिन्स होता है
वो क्या होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा गहरा होता है. और कंपेयरिंग टू इट, पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन्स होता है वो क्या होता है, बहुत शैलोअर होता है, वो इतना डीप नहीं होता है. ओके, वेरी स्मॉल एंड नॉट दैट डीप, इट इज़ शैलोअर. और इट यूज़ टू कवर अ वेरी शॉर्टर रूट, बहुत कम सा एरिया वो क्या करती है, कवर करती है. अब हिमालयन रिवर्स एज आई डिस्कस, इसका ड्रेनेज बेसिन्स भी क्या होगा, गड्ढे जो होंगे वो क्या होंगे, जो हर स्टेट में जो मैंने समझाया था आपको फर्स्ट पार्ट वन में, वो क्या हो, बहुत गहरे गहरे होंगे. इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर रिवर, इसके जो ड्रेनेज बेसिन होंगे वो इतने गहरे नहीं होंगे. जाहिर सी बात है, कहाँ पानी ही कहाँ, इतना पानी है ही नहीं, तो वो इतने गहरे नहीं हो सकते, बिकॉज होल थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द रिवर. तो दैट्स वाई. ओके, एंड ये जो हिमालयन रिवर्स हैं, इनके जो डेल्टास होते हैं वो क्या होते, डेल्टास फॉर्म करती हैं. एंड पेनिनसुलर रिवर्स यूजली मोस्टली फॉर्म द एस्चुरीज. व्हाट आर द डेल्टास, डेल्टास आप देख लीजिए, जब रिवर्स सी में, बिग वाटर बॉडी में क्या होने वाली होती है, मीट करने वाली होती है, मिलने वाली होती है. देखिए, रिवर्स हमेशा तीन वे में मूव करती है, तीन उसकी ऐसे, जब वो हिमालय से निकलती है तो वो उसका चाइल्डहुड रहता है, फिर आता है वो मिडलहुड जब वो प्लेन पे ट्रेवल करती है, मिडिल एज, फिर आता है ओल्ड एज जब वो सी में मिलने वाली होती है. जब वो चाइल्डहुड अपने यंग एज में होती है तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो इमिजिएटली वो बहुत तेज़ चलती है. जब वो मिडिल एज यानी जब प्लेन पे उतरती है तो वो क्या करती है, वो बहुत आराम से धीरे धीरे बहुत मस्ती के साथ क्या करती है, मूव करती है. फिर जब वो ओल्ड एज में जब मूव करती है, वो एंड हो जाती है, जब सी से मिलने वाली रहती है, तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर एकदम स्पीड ख़त्म हो जाती है. तो वो जो सिल्ट एंड जो लेकर अपने साथ ओवरलोड होके आ रही है, जो सिल्ट डिपॉजिट करते लेते हुए आ रही है, वो क्या करती है, वो माउथ पे, सी के माउथ पे वो डिपॉजिट करती जाती है, वो डिपॉजिट करती जाती है. और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसके डिपॉजिशन से जो सिल्ट के जो डिपॉजिट करती है जो ये रिवर, इसी को हम बेसिकली हम डेल्टास कहते हैं. अब रिवर्स के माउथ के ऊपर जब ये सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगी, तो रिवर्स अपना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी भी इसी यही बनती है. तो आई हैव क्लियर दिस थिंग, ये चीज़ आपको अलग से भी मिल जाएगी, मैंने कवर किया है अपने एक YouTube लेक्चर में, जस्ट गो थ्रू इट, डेल्टास कैसे फॉर्म होते हैं, मैंने इसको भी एक अपनी अलग से सेपरेट लेक्चर भी है इसके ऊपर, आप प्लीज़ उसको भी देखिए अगर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर. बिकॉज हियर व्हाट वी हैव टू बेसिकली डील, हमें कंपैरिजन डील कर रहे हैं हिमालयन रिवर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में. अब एस्चुरीज को भी समझ लीजिए, डेल्टास कौन सी रिवर फॉर्म करती है, हिमालयन रिवर्स फॉर्म करती है, क्योंकि इनका कोर्स बड़ा होता है, तो कोर्स लंबा, पूरी इंडिया, सपोज़ वो गंगा रिवर क्या है, पूरी इंडिया घूम कर आ रही है, तो खूब सारा क्या लेकर आ रही है, खूब सारा सैंड सिल्ट अपने साथ वो लेकर आ रही है. ओके, तो वो कहीं तो वो डिपॉजिट करते करते डिपॉजिट तो करेगी ना, जब वो मिलने वाली है, जब उसकी ओल्ड एज है, वो मिलने वाली है सी से, तो वो डिपॉजिट जो करती है उसी को ऑन द माउथ ऑफ रिवर, दैट इज़ बेसिकली नोन एज व्हाट, दैट इज़ बेसिकली नोन एज डेल्टा. ओके, एंड व्हाट इज़ एस्चुरी, एस्चुरीज आर मोस्टली फॉर्म बाय द पेनिनसुलर रिवर. क्या होती है एस्चुरी, जब रिवर क्या करती है, जब रिवर मिलने वाली है सी से, तो वो जो फ्रेश वाटर, जो रिवर का फ्रेश वाटर एज डेल्टा नहीं फॉर्म करती है मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स, बिकॉज क्या है, इनके अंदर इतना ज़्यादा कोर्स शॉर्टर है ना, कोर्स इज वेरी शॉर्ट, रूट उनका बहुत शॉर्ट है, तो इतना सैंड सिल्ट है ही नहीं, तो क्या करती है, वो एस्चुरीज फॉर्म करती है. एस्चुरीज बेसिकली क्या होता है, जब फ्रेश वाटर, ओके, फ्रेश वाटर किसका है, ये जो रिवर का फ्रेश वाटर है, मीट्स टू द व्हाट, सी वाटर, then the estuaries are formed, and these estuaries are the best fishing ground, fishery के लिए ये सबसे, this estuary जब ये दोनों meet होते हैं तो basically क्या होता है, estuaries का formation होता है, इन्हीं दोनों के mixture को ही basically वो कहते हैं estuaries. अब यहाँ पर ही क्या होता है, ये best है किसके लिए, fishing के लिए, fish breedings के लिए ये best है ना, fish breeds यहाँ बहुत अच्छी होती हैं. अब
आपको पता चल गया एस्चुरीज क्या होते हैं, व्हेन फ्रेश वाटर एंड द सी वाटर यूज टू मीट देन एस्चुरीज आर फॉर्म्ड. ओके, डेल्टास क्या होते हैं, एस्चुरीज क्या होते हैं, आई एक्सपेक्ट आपको क्लियर हो गया. डेल्टास पे मेरा सेपरेट लेक्चर है. मेंडरिंग अब क्या होती है, रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स है जब वो प्लेन पे मूव करती है, हिमालय से जब तो वो नीचे आती है तब तो वो बहुत स्पीड में आती है, तब तो मिएंडर नहीं फॉर्म हो सकता. लेकिन जब वो प्लेन एरिया पे मूव करती है तो वो क्या करती है, वो चैनल्स किस वे में मूव करती है, इट यूज टू मूव इन दिस वे. ओके, इट यूज टू मूव लाइक दिस. ओके, इस वे में वो क्या करती है, रिवर्स मूव करती है. तो बेसिकली इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, ये जो तरीका है मूवमेंट का, इसी को कहते हैं, ये चैनल ऑफ मूवमेंट, इसी को कहते हैं मिएंडर्स. इसी को कहते हैं मिएंडर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक भी यही होता है, मेनली हिमालयन रिवर्स में ही फॉर्मेशन ऑफ वॉट, फॉर्मेशन ऑफ मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक यूज टू हैपन्स. ओके, मिएंडर्स पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, उस पर मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक के फॉर्मेशन पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी. ओके, और ये पेनिनसुलर रिवर्स क्या करती है, मोस्टली ये क्या करती है, स्ट्रेट मूव करती हैं. ओके, इट डजेंट, क्योंकि इनके पास इतना मिएंडर्स फॉर्म नहीं होते हैं इतने, क्योंकि इतना पानी नहीं है तो इतना नहीं मिएंडर्स फॉर्म होते. ये मोस्टली ये सीधा सीधा क्या करती हैं, रूट कवर करती है, स्ट्रेट रूट कवर करती हैं. और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेटू हमारा ये थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है, टिल्टेड टूवर्ड्स ईस्ट. तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द रिवर, ये बात हम कवर करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी वेस्टर्न घाट्स के बारे में, तो मोस्टली इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोस टूवर्ड्स व्हाट, बे ऑफ बंगाल. इसीलिए ज़्यादातर रिवर्स क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल साइड गिरती हैं. लास्ट स्टॉपेज उनका क्या है, बे ऑफ बंगाल, दैट इज़ द रीज़न. ओके, अब ये तो बात हो गई, अब मिएंडरिंग की, और ये स्ट्रेट, ये ऑक्सबो लेक्स भी आप यहाँ लिख लीजिए, ऑक्सबो लेक आल्सो, ऑक्सबो लेक्स. ओके, बोर्ड बहुत गंदा हो गया, लेट मी क्लीन इट. ओके, बेड रॉक्स आर सॉफ्ट सेडिमेंट्री एंड ईजिली इरोडेबल. हिमालयन रिवर्स, अब जाहिर सी बात है मिएंडर्स फॉर्म कर रही हैं, तो वो बेड रॉक्स जो उसका होगा क्या होगा, सेडिमेंट जो वो क्या होगा, वो बहुत ही सॉफ्ट होगा. तो इसीलिए तो वो कट जा रहा है, तभी तो ये शेप आ रहा है, तभी तो ये शेप आ रहा है, इसीलिए तो आ रहा है. देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, मिएंडर्स फॉर्म होने में ये काट रही है. ओके, ज़मीन क्या काट रही है, काट क्यों पा रही है, बिकॉज वो जो उसका जो ट्राइन है वो क्या है, वो सॉफ्ट है. तो बेसिकली बेड रॉक्स इसका जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इजली इरोड, इसीलिए तो ये इतना आसानी से काट लेती, इसीलिए तो ये इतना जल्दी आराम से इरोड हो जाता है, पानी के साथ बहाव के साथ बह जाता है. ओके, एंड इसका जो बेड रॉक जो होता है, इसका जो नीचे जो रॉक्स हैं ये पेनिनसुलर रिवर्स के नीचे, ये मोस्टली क्या होती है, मोस्टली ये हार्ड होती है, नॉट ऑल टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होती है, नीचे इसका ये जो पोर्शन है साउथ का साइड का जो पोर्शन है पेनिनसुलर रिवर्स का, तो इसके जो टेराइन है, इसका जो रिवर्स है, उसके जो सॉरी इसका जो टेराइन है वो क्या है, हार्ड होता है. इसीलिए वो क्या होता है, जल्दी कटता नहीं है, इसीलिए ये डेल्टास नहीं बना पाती हैं. ओके, इसीलिए ज़्यादातर ये डेल्टास नहीं पाते, क्योंकि वो जो है वो क्या होता है, वो कटता नहीं है जल्दी से, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि वो हार्ड होता है ना बहुत ज़्यादा. ओके, अब नाउ हिमालयन रिवर्स का एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इरिगेट नॉर्थन प्लेन्स में, तो पूरा इरिगेशन नॉर्थन प्लेन्स इज़ द मोस्ट फर्टाइल एरिया, गुड फॉर द एग्रीकल्चर. ओके, तो ये नॉर्थन प्लेन क्या क्यों इतना फर्टाइल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर्स क्या करती हैं, ये पूरे नॉर्थन प्लेन्स में ही तो बह रही हैं. एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट द उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तो ये जो इंदस जो मूव कर रही है पंजाब के साइड से, तो दी जो इंदस है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं सतलज एंड ऑल, जो ये पंजाब साइड पंजाब से होते हुए जा रही हैं इन द एंटरिंग द पाकिस्तान, तो ये सब क्या है, ये इरिगेट कर रही हैं, ये बना रही हैं फर्टाइल. किस एरिया को बना रही हैं फर्टाइल, ये बना रही हैं पूरे नॉर्थन प्लेन्स, सपोज ये पूरे आपके जस्टिस. ओके,
ये पूरे आपके पूरे नॉर्थन प्लेन्स को क्या कर रही हैं, फर्टाइल आपके बना रही हैं। ओके, और ये क्या कर रही हैं, इरिगेट्स ये जो बेड रॉक्स हैं, आपको पता चल गया ये नॉर्थन प्लेन्स को। और ये पेनिनसुलर रिवर्स क्या कर रही हैं, पेनिनसुलर रिवर्स इरिगेट कर रही हैं ऑफकोर्स ये साउथ के पोर्शन को, ये बेसिकली इस साइड के। ओके जस्ट अ सेकेंड, ये इस साइड के पोर्शन को क्या कर रही हैं, पूरा इरिगेट कर रही हैं साउथ साइड के, इस साइड के पोर्शन को पूरा वो क्या कर रही हैं, इरिगेट कर रही हैं पेनिनसुलर एरियाज को, वो इरिगेट कर रही हैं। ओके, नाउ आई एक्सपेक्ट कि जस्टिस, नाउ आई एक्सपेक्ट कि आप लोग को जो वॉट एवर द कंपेरिजन है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि हिमालयन रिवर्स क्या हैं, पेनिनसुलर रिवर्स क्या हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या बेसिकली क्या डिफरेंस है। आई एक्सपेक्ट नाउ दिस डिफरेंस इज क्लियर। ओके, वी विल मीट सून विद आवर थर्ड वीडियो। ओके, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। द नेम ऑफ द चैनल इज डेल्टल एजुकेशन, सो दैट यू कैन गेट द मोर वीडियोज लाइक दिस। Thank you. Have a nice day.